मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर औरत तलाक मांगे तो उसे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो जज्बाती और जहनी तौर पर खुद को आपसे अलग कर चुकी होती है। छोड़ो इन बातों को, मैं नहीं जानती सही वक्त और अंदाज। उसे क्या लगता है कि मैं बस मेहर लेके फारिग हो जाऊंगी, उसके रास्ते से हट जाऊंगी? ये कभी नहीं होगा। वो घर उसे मेरे नाम करना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन शाजमा के मामले में मुझे कुछ शुभात है। मुझे उसकी और उसकी फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अखियां तेरी दीद दी बना चाहिए। हेलो जी सर। सर आई एम सो सॉरी, वो सिग्नल का इशू था। जी जी मैं पहुंच जाऊंगा जी, मैंने ईमेल भी कर दी थी और प्रेजेंटेशन भी रेडी है। अरे मेरी बात सुनो, दो मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी रूमी। अगर मैं तुमसे बात के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने कितनी परेशानियां उठाई हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कितने लालची और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे ना तुमसे कभी पहले मोहब्बत थी और ना आज है। तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। अगर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है सारा। शट अप। अपनी जबान से मेरा या मोहब्बत का नाम मत लेना। तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने में। अच्छा हुआ जो सही वक्त पे मुझे तुम्हारा असल चेहरा नजर आ गया, वरना मेरी जिंदगी तो। मैं माफी मांगता हूँ अपनी सारी गलतियों की, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, अपनी सारी ज्यादती की तलाफी कर दूंगा। मुझे एक मौका तक दे दो प्लीज सर, प्लीज एक मौका। तुम नहीं जानती उस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहा था। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल राजी नहीं थे, उनको मनाने के खातिर मुझे झूठ बोलना पड़ा। मानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मुझे वसाहत करने का मौका तो देना चाहिए ना, इतना तो डिजर्व करता हूं ना मैं। और तुमने क्या किया, मुझे छोड़कर उस दो टके के ड्राइवर से शादी कर ली। सर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था कि इतनी बड़ी हम। आज के बाद अगर जहीन के बारे एक भी बुरा लफ्ज का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाज़ औक़ात गलतियां इंसान को बहुत बड़ा फायदा दे जाती हैं और बहुत बड़े नुकसान से बचा भी लेती हैं, जैसे ये मेरी जिंदगी में आ गई और तुमसे इसकी जान छूट गई। अपनी औकात से बड़े ख्वाब देखे तुमने जहीन। ख्वाब हमेशा बड़े ही देखे जाते हैं रूमी। क्या कहते हैं, ड्रीम बिग। आइंदा मुझे सारा के आसपास भी नजर आता है, समझे? चले सारा।
के ड्राइवर, तुझे तो मैं देख लूंगा। सारा जो मैंने रूमी से कहा, क्या बुरा लगा तुम्हें? ये सब कुछ उससे इसलिए था क्योंकि मैं उसके सामने जताना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। हालांकि हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी हो सकता है। यही तरीका था उसे रोकने का। मैं नहीं चाहता कि रिमी जैसा धोखेबाज और लालची इंसान तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस आए और तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। सहीन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं रूमी जैसे घटिया और लालची शख्स पर दोबारा भरोसा करूंगी? तुम्हारी मोहब्बत था वो सारा, और इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। मोहब्बत नहीं, हमाकत थी। तुम तो हर चीज अच्छी तरह जानते हो ना सहीन। रूमी और मैं सिर्फ दोस्त थे। हाँ, वो मुझे चाहता जरूर था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। तुम भूल भी हो सारा, कोर्ट मैरिज के लिए तुमने पहले रूमी का ही इंतखाब किया था। तुम उन सब हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो जहीन। तुम ये जानते हो कि मैं घर से इसलिए नहीं भागी थी कि मैं रूमी के प्यार में पागल हो चुकी थी। मैं तो बहाद से जान छुड़ाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थी। वो तो अच्छा हुआ कि रूमी की असलियत मेरे पे जाहिर हो गई, ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद तो अभी भी होगी। मेरे साथ, मेरे घर में। सारा तुम लाख इनकार करो, मैं जानता हूँ। तुम कभी इन आसाइशों के बगैर नहीं रह सकते हो। बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए मेरे घर में रहना। सही, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखते हो। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। गलतियां इंसान को बहुत बड़ा फायदा दे जाती हैं और बहुत बड़े नुकसान से बचा भी लेती हैं। आइंदा मुझे सारा के आसपास भी नजर आता है। समझे मुझे? क्या बात है रूमी, तुम सोए क्यों नहीं अभी तक? मॉम प्लीज, अभी मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे नहीं शेयर कर सकते? क्या सारा से मिलकर आ रहे हो? हाँ, मैं ले गया था उसे। फिर क्या कहा उसने? उसने वो दो कौड़ी के ड्राइवर के साथ शादी कर ली मॉम। और हैरत की बात ये है कि वो उसके साथ बहुत खुश थी। उसे पूरी दुनिया में एक वो ड्राइवर ही मिला था शादी करने के लिए। उस ड्राइवर के तो वारे न्यारे हो गए। I'll kill him, mom. फुजूल बातें मत करो, भूल जाओ सारा के ऑप्शन को। नहीं मॉम, मैं ज़हीन को सारा की दौलत पर ऐश नहीं करने दूंगा। छीन लूंगा मैं ज़हीन से उसको,
वो दो टके का मुलाजिम कितना चालाक निकला। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तौसीफ के जाने के बाद तुम ही तो मेरा एक वाहिद सहारा हो। बेटा, सारा दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, जरा हमें सेटल होने दो, हमारे हालात अच्छे हो जाए, ये कर्जा वर्जा उतर जाए, फिर मैं किसी ऊंचे घर में तुम्हारा रिश्ता करूंगी। बस करें मॉम, प्लीज बस करें। अब बात सिर्फ सारा से शादी करने की नहीं है। आपको नहीं अंदाजा है कि मैंने सारा को अपनी जाने मायल करने के लिए कितने पापड़ बेले थे। इतनी मुश्किलों से मैंने अपनी मोहब्बत के जाल में उसको ट्रैप किया था, वो दो टके का ड्राइवर मुझसे आगे निकल गया। मेरी जरा सी गलती का फायदा उठाया उसने। ये कोई आम बात नहीं है मॉम, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सारा को मेरी जिंदगी में वापस आना ही पड़ेगा। बाद सुबह सुबह किधर चले गए? अरे वो रेहान ना किसी चीज के लिए जिद कर रहा था, उसको साथ लेकर गए। अनवर भाई? वो साथ ही है। अच्छा। अम्मा, इनके स्कूल वालों ने मुझे बुलाया 12 बजे। जरूर शिकायत आई होगी, निकम्मे तो है ही वैसे ही दोनों, ना पढ़ने के ना लिखने के, जरूर टेस्ट में फेल होके आए होंगे निकम्मे। अरे नहीं भाभी, इस बार मैंने इन दोनों की बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, ये फेल नहीं होंगे। हाँ माँ, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था, रयान ने भी, मैं तो बिल्कुल फेल ही होंगी और रयान भी पक्का। अच्छा बस बस दादा, बातें मिलाने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। पढ़ाई पढ़ाई के बहाने ना तुम्हारी चाची तुम दोनों के साथ लूडो खेल रही होती है। भाभी क्या बातें कर रहे हैं, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, उल्टा आप ताने दे रही हैं। सही, मैं ताने नहीं दे रही हूँ, सच्चाई तो बयान कर रही हूँ सिर्फ। अब भला बताओ, खेल खेल के बहाने सारा कैसे पढ़ा सकती है इन्हें? तुम तो जानते हो कितने निकम्मे हैं दोनों, माँ से तो कभी पढ़े नहीं, तो फिर सारा से? सारा की बस की बात नहीं है, इससे हैंडल नहीं होंगे। एक बार आप रिजल्ट आने दें, फिर ये सारी बातें कहिएगा। क्यों सारा? क्या? सारा क्या हुआ? देखा, लग गई ना नजर, मेरी शबाना जा बैठी हुई क्या देख रही है, किचन से वो लेकर आ, क्या कहते हैं उसको, वो सूखी लाल मिर्च होती ना, वो लेकर आ। और तू तो उठेगी नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ जल्दी से, सुनती नहीं है मेरी। आंटी मैं, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, ऐसी हालत में ना बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है, और मैं किसी किस्म का भी ना रिस्क नहीं लूंगी, समझी ना? आंटी मेरी बात तो सुने। सहीन, तुम समझाओ ना आंटी को। मैंने कहा था ना नजर लग जाएगी, देख मेरी बच्ची को नजर लग गई, अल्लाह ताला हर नजर से बचाए मेरी बच्ची को। हाँ अम्मा, छोड़ दे उसके गले में। अरे तो चुप कर, मुझे सब पता है कि क्या करना, मेरे कामों में दखल मत दिया कर। नजर लग गई मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची चीख। आंटी आप बात समझ क्यों नहीं रही है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन मुझे वॉमिट बद हजमी की वजह से हुई थी, और अभी मेरे गले में ये फंस गया था। Thank you.
सॉरी सारा, गलती मेरी ही है। मुझे अम्मा को पहले दिन ही सब सच बता देना चाहिए था। ऐसे देर करके हमने उनकी खुशी और यकीन को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। मैं जानती हूँ आंटी बहुत हर्ट हुई हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं था। एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। हाँ, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था, या शायद तुम्हारा बताने का तरीका। अम्मा, मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि बदहजमी है, मगर आपने मेरी कोई बात ना मानी। सारा से मुतालिक जब जब और जो जो बात मैंने बोली है ना अम्मा, सब कुछ सच साबित हुई है। मगर पता नहीं आप लोग मेरी मजाल है किसी बात को अहमियत भी दे दें। और आप जो इस इरादे से घर पे आई है ना रुकने के लिए नहीं आई वो। जिस दिन एहसन साहब उसे लेने आएंगे ना वापस, फौरन चल पड़ेगी उसके साथ। माफ कीजिएगा अम्मा, मेरे ख्याल से सरासर गलती आपकी है। जब उस दिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात ही नहीं है, तब भी ना मानी आपने मेरी बात। हाँ हाँ मेरी माँ, गलती मेरी ही है जो मैंने तेरी बात का एतबार नहीं किया। अब क्या करूं, जान लेगी मेरी। लो भाई अम्मा, मुझे चुप कराने से क्या होगा? आपका तो बेटा खुद उसके सामने मट्टी हो जा रहा है। जो वो कहती है उसकी हर हुक्म की तकमील करता है। अरे मैं भी तो पूछूं कब तक उसके हाथों कठपुतली बना बैठा रहेगा। साबित ने ठीक ही कहा था, इसे हमारे घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त चाहिए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। Hello. Hi, Sara. I hope you're not doing well as always. Shanse, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का। सिर्फ रूमी का मैसेज देना था। अगर रूमी जिद ना करता तो मैं तुम्हें कभी कॉल ना करती। मुझे ना उस धोखेबाज में कोई दिलचस्पी और ना तुम जैसी कमजोर दोस्त में। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। क्यों किया तुमने मुझे कॉल? मैंने तुमसे ज्यादा कमजोर लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम पर कितना एहसान किया, तुम्हें जॉब दिलाई और तुम मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही हो। जस्ट शट अप शांसे, तुम्हारी दिलाई हुई जॉब और तुम्हारा कसम दोनों ही घटिया निकले। मेरा मूव आउट करने का फैसला ही गलत था। वहाज ने उस फ्लैट में आकर मुझे हैरास करने की कोशिश की और तुम मुझे कह रही हो कि तुमने मुझ पर एहसान किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से बच के निकल गई। इतनी बड़ी बात छुपाई? वह आज तुम्हारे फ्लैट पर आया, उसने तुमसे बदतमीजी की और तुमने मुझे बेखबर रखा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान से मार दूंगा मैं उसको। ज़हीन, सर आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा। इसकी बात पर यकीन करेंगे तो पछताएंगे। पछताएंगे तो जरूर जब तुम्हारी और शाजना की हकीकत खुलेगी। मैं जान गई हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी को मेरी सबसे ज्यादा केयर है
तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। अखियां नू तेरी दीद दी बना चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? एक पुराना हिसाब चुकता करने आया हूं। मुझे आज ही पता चला है। उसी दिन पता लगता तो मैं इसकी हड्डियां पसलियां तोड़ देता। सर ये जाहिल आदमी यहां पर गुंडागर्दी कर रहा है। आप इसको पुलिस के हवाले करें। गुंडागर्दी मैं तुम्हारी दूर करने आया हूं। तुम बताओ सारा को अकेला समझ कर क्यों गए थे उसके अपार्टमेंट पर? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम कर रहे हो। मेरी बीवी को हरास करते रहे हो तुम। अगर सारा मुझे उसी दिन बता देती तो तुम्हारा वो हशर करता कि जिंदगी भर किसी को आंख उठाकर ना देखते। सर आप देख रहे हैं, इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। मैं सारा की बहुत इज्जत करता हूँ। ये मुझे आपकी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरे नंबर बढ़ा रहा है। ये बात कान खोल कर सुन तू। आइंदा अगर मेरी बीवी को अपने ख्वाबों ख्यालों में भी लाया ना तो दिमाग टिकाने लगा दूंगा तेरा, समझे? सर आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा। इसकी बात पर यकीन करेंगे तो पछताएंगे तो जरूर जब तुम्हारी और शाजना की हकीकत खुलेगी। सर प्लीज मेरी बात सुने। सर वो झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, बकवास कर रहा है वो। उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? सर यही तरीकेकार है उसका, मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहता है वो। यानी वो पक्का क्रिमिनल। अब उसे तुम्हें मेरी नजरों में गिराने से क्या फायदा हो सकता है? सर आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं, मेरी ना? मैं आपका वफादार, आपका मुखलिस। वो सारा का शौहर है और कोई भी शौहर सरेआम अपनी बीवी के बारे में इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकता। एक बात याद रखना भाज, अगर उसकी बात में थोड़ी भी सदाकत हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सर जो चोर की सजा वो मेरी सजा, लेकिन प्लीज आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा। आप यकीन करें मैं सारा को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ज़हीन, तुम कहाँ थे? कब से कॉल कर रही थी तुम्हें? तुम्हें इससे क्या? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें किसी बात के लिए जवाब दे नहीं हूँ। ठीक नहीं किया तुमने। वह आज की इस हरकत को छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ सारा। तुम्हें बताती तो कयामत आ जाती। कयामत आकर रहती है। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। अभी तो मैंने उसको सिर्फ सबक सिखाया है, आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं।
को अकेला समझकर क्यों रहते उसके अपार्टमेंट पर? अगर सारा मुझे उसी दिन बता देती तो तुम्हारा वो अचर करता कि जिंदगी भर किसी को आंख उठाकर ना देखते। आइंदा अगर मेरी बीवी को खाबो ख्यालों में भी लाया ना तो दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तेरा, समझे? माँ क्या हो गया आपको? अच्छा आप दिल छोटा मत करो, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था लेकिन आपने ना मेरी एक ना सुनी। अगर सारा ने जहीन को शौहर का दर्जा दिया होता तो तभी तो कोई बच्चा वगैरह। अम्मा मेरा मतलब है कि अब ना आप कोई एक्शन ले ही लें वरना ये चूहे बिल्ली का खेल ना पूरी जिंदगी चलता रहेगा और जहीन की जिंदगी ऐसी ही खराब होती रहेगी। सारा जहीन को कभी भी कबूल नहीं करेगी और जहीन उसके चक्कर में ना यूं ही ज़लील ख़ुआर होता रहेगा। माँ आप खुद ही बताएं, आपको अच्छा लगता है कि जहीन शादीशुदा होने के बावजूद अकेलेपन की जिंदगी गुजार रहा है? बताएं। मैं तो समझ रही थी इन दोनों के बीच में मामला बेहतर होते जा रहे हैं। सारा घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी थी और जहीन के साथ भी घुल मिल गई थी वो। रहने दे अम्मा, ये सारे के सारे ना सिर्फ और सिर्फ ड्रामे हैं ड्रामे। इतने अरसे में उसने जहीन को कबूल नहीं किया तो अब क्या ख्वाब करेगी? अम्मा मुझे तो लगता है उसे कोई और पसंद है। क्या मतलब? और नहीं तो क्या अम्मा, आपने देखा नहीं जब दिल चाह वो मुंह उठा के चली जाती है जहीन को छोड़ के, तो भला इस बात का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना कि यकीनन उसको कोई और पसंद है, वरना जहीन ने तो क्या कुछ जतन नहीं कर लिए उसका दिल जीतने के लिए। मगर वो लड़की कस्से मस ना हुई अम्मा, पत्थर भी होता ना वो भी पिघल जाता। नहीं नहीं मेरा दिल नहीं मानता, अगर वो किसी और को पसंद करती ना तो वो वही शादी करती। अम्मा आप ना बहुत भोली हैं, पता नहीं किस दुनिया में रह रही हैं आप। अगर वो घर बसाने वाली होती ना जहीन के साथ तो इतनी दूरियां अख्तियार ना करती। हाँ साल होने को आया कोई ना कोई खुशखबरी सुनाई देती। अच्छा अम्मा आप परेशान मत हो, मैं तो कहती हूँ कि जहीन के लिए ना अपनों में से कोई लड़की ढूंढ ले तो सही मायनों में उसका घर बसाएं। अम्मा अम्मा अगर सारा के चक्कर में बैठा रहा ना जहीन तो इसी तरह परेशान होता रहेगा पूरी जिंदगी। मैं तो कहती हूँ उस शादी को ही खत्म करवा दें। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो वो 2% का ड्राइवर हमारी जान को आ गया। पता नहीं इतने दिनों बाद क्या सूझी उसे। क्या ऐसा ने उसकी बात पे यकीन कर लिया? ऐसा मुमकिन है शाजमान, उसकी बेटी का जिक्र हुआ है तो वो क्या इग्नोर कर देगा? शक तो मुझे भी है तुम पर बहाज। कैसी बातें कर रही हो शाजमान? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ एहसन को क्या कहा तुमने? सफाई देने की कोशिश की थी मैंने, और क्या करता मैं, लेकिन चौकन्ना हो गया। तुम ये कैसे कह सकते हो वहाज? मंजूर से पूछ रहा था वो मेरे बारे में, काफी सफलात कर रहा था। क्या तुम अभी ऑफिस में हो? नहीं नहीं मैं एहसन का सामना नहीं कर सकता था इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। अगर एहसन अलर्ट हो गया तो हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए वहाज। जल्द से जल्द बस अपनी तैयारी पकड़ो। तुम ऐसा करो कि आज शाम घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। नहीं शाजमा आज मैं नहीं आ सकता, समझा करो। हमें कुछ दिन तक बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ना मैं तुम्हारे घर आऊंगा और ना ही हम कहीं बाहर मिलेंगे। एहसन हमारी ताक में है और मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारे घर के बाहर किसी को हमारी जासूसी पर भी लगाया होगा। बाबा को वह आज पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ।
उन्होंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम उसे मारने क्यों आए? बाबा की बहुत याद आती है ज़हीन। पता नहीं वो अपना ख्याल रखते होंगे भी कि नहीं। हौसला रखो। आंटी भी बहुत नाराज है मुझसे, कल से बात भी नहीं कर रही। माँ है ना, जज्बाती भी जल्दी हो जाती है, नाराज भी जल्दी हो जाती है, मान भी जल्दी जाएगी। एक बात कहूं सारा, आइंदा मुझसे कभी कुछ छुपाना मत। मैं आइंदा तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी सही। मैं जान गई हूं कि इस दुनिया में अगर किसी को मेरी सबसे ज्यादा केयर है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। चलता हूं। जी अजहर साहब, क्या अपडेट्स हैं? हमने आपके घर के सिक्योरिटी कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया है। पिछले 6 माह से आपके सिक्योरिटी कैमरास ऑफ थे और हमें किसी ने कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवाई। पर मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। टेक्निकल टीम आज विजिट करके गई है, आपके कैमरास में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के किसी फर्ज या मुलाजिम ने जानबूझ कर कैमरास ऑफ किए थे ताकि घर आने जाने वालों पर नजर ना रखी जा सके। अगर आप कहें तो मैं आपसे 6 माह पुरानी कवरेज की डिटेल शेयर कर लूं। उसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, घर के चारों तरफ कैमरास लगवा दीजिए और कुछ नए सिक्योरिटी गार्ड्स भेजें, और आज के बाद अगर कैमरास में कोई प्रॉब्लम हो या कोई और मामला हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि घर की सिक्योरिटी में आज के बाद मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। ठीक है सर, आपको नए गार्ड्स और कैमरा आज ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैंने तुम्हें शाजमा के बैंक स्टेटमेंट के लिए कहा था। सर मैंने रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड कर दी है, जैसे कोई डिटेल मेरे पास आती है मैं फौरन आपसे शेयर करता हूँ। और सुनो, शाजमा के साथ साथ मुझे बहाज की भी इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो HR में मंजूर साहब से बहाज के डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो। जरूरत पड़े तो उसकी सारी डिग्रीज भी निकलवा लेना। मुझे उसकी पैदाइश से लेकर आज तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, हो जाएगा, यू डोंट वरी। सर जी, खाना लगा दिए टेबल पे। एक मिनट जी। मैं काम करूं, हिदायत और गुलाम नबी को बुला कर लाओ, और तुम भी आओ, मुझे तुम सबसे जरूरी बात करनी है। जी बेहतर। सच सच बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में शाजमा कहां कहां जाया करती थी और कौन कौन उसे यहां मिलने आया करता था? मुझसे कुछ मत छुपाओ, सब कुछ सच बताओ। मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, बहुत कुछ। शाजमा के साथ घर का कोई ना कोई मुलाजिम जरूर मिला हुआ है जिसने छुप कर ये सब हरकतें की हैं। सीधी तरह बता दो,
वरना बहुत बुरी सजा दूंगा। नौकरी से तो जाओगे ही, पुलिस के हाथों भी पकड़े जाओगे मेरे साथ गद्दारी करने के जुर्म में। साहब मैं इस बारे में बिल्कुल बेखबर हूँ, अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बकवास बंद करो, पिछले 6 महीने से घर के कैमरास बंद हैं और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता। कैसे मालूम भाई, जरूर तुम में से कोई एक है जो शाजमा के साथ मिला हुआ है। सच सच बता दो कि वो कौन है। तुम लोग सब कुछ जानते हो, जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हो। नहीं साहब जी, बस शाजमा बीबी से मिलने कोई इस घर में नहीं आता था, सिर्फ उनकी वालदा कभी कभार आ जाया करती थी। साहब जी, हमने सालों आपका नमक खाया है, हम आपसे खदारी करने का सोच भी नहीं सकते। और मैं भी नहीं सोच सकता कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा। साहब के सामने मेरे झूठ बोल दिया, या अल्लाह मुझे माफ करना। ऐसा सब था हमारे मौसी ने। क्या मसला है शाजमा, क्यों सुबह सुबह जगा दिया तुमने? मेरी रातों की नींदें उड़ी दी और तुम्हें अपने सुकून और आराम की पड़ी है? तुम्हें पता भी है ऑफिस में क्या चल रहा है? क्या हो गया यार? अब एहसन को तुम पर शक हो गया और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। मुझे मंसूर ने बताया कि आज ऑडिट की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी और तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पेपर्स लेकर गए हैं वो लोग। क्या बात कर रही हो शाजमा, इसका मतलब मैं तो गया फिर? फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दोनों मिलकर ना अगले 10 साल के लिए जेल में चक्की पीसेंगे। तुम्हें आज ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम वहां जाना छोड़ ही दो। वहाज हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। अरे शहर छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा, हसन की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो पताल से भी ढूंढ निकालेगा। हमें फौरी तौर पर मुल्क छोड़ना होगा शाजमा। तो अमार फरहाद का क्या होगा? अरे पहले अपनी जान तो बचा लो, उसके बाद इनके बारे में सोचना। है तुम अभी घर पर हो ना? तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, हम कहीं बैठकर प्लानिंग करते हैं। परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बना चाहिए।